Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Big News में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, संडे आ चुका है, आपके सवालों के जवाब देने का समय आ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे सवाल उठाया हूँ और सबके जवाब देंगे हमेशा की तरह पूरे ऑनेस्टी से और फुल टेक्नोलॉजी स्टाइल में। पिछले संडे नहीं आया था, ये रोज आता है, पिछले संडे में नहीं आया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम पेरिस में थे। लेकिन जब बहुत ऐसा बहुत बड़ा कुछ हो जाता है तो ही हमारी क्यू एन ए नहीं आती, वरना तो आती रहती हर संडे। वैसे दोस्तों, अगर आपका नाम नहीं आया, मैं माफी चाहता हूँ, लाइक करिए, सीरीज को भी सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, तो हर संडे हम ऐसे ही टिकते रहेंगे और आपके लिए सवाल जवाब लाते रहेंगे। पहला सवाल आ रहा है इम्तियाज अंसारी से। भाई, आपका डांस को अल्लू अर्जुन पुष्पा ने कॉपी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं यार, मजाक की बात है सब, कोइंसिडेंस है यार, वो अलग ही चीज़ें, हम अलग करते, मस्ती मजाक करते, उनका मूवी अलग ही चलता है, अलग ही स्टेप है उनका और उनकी स्टाइल अलग है और बहुत बड़े स्टार है वो तो। पर हाँ, ऐसे लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कॉपीराइट मार दो भाई, ये मार दो, सुन के कमेंट अच्छा लगता है, बस लोग मजाक करते हैं, हम भी मजाक करते हैं, अच्छा लगता है। पर वो अच्छा है कि जिसने ये वीडियो बनाया था उससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गया, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा था और मैं जब फर्स्ट टाइम खुद देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये देखो स्टेप, हम भी ऐसे ही करते थे, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ कॉपी ओपी नहीं है भाई, वो अलग ही एक तरीके की मूवी है, एक अलग ही स्टार है, सबका अलग चीज़ होता है, हम न करीब भी नहीं पहुंच सकते उनके। बाबा ने बोला है कि वन प्लस 10 प्रो लेना चाहिए क्या? बाबा देखिए, अभी तो हमें पता नहीं, अभी जब आएगा उसके बाद पता चलेगा, इंडिया में आता है क्या, प्राइस पर आता है, बोलते ना प्रैक्टिकली कितना अच्छा होता है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो मेन चीज़ होती है, बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे फोन्स ऑन पेपर बहुत अच्छे होते हैं, आने के बाद पता चला उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ फोन ऑन पेपर ठीक ठाक होते हैं लेकिन आने के बाद अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो जब तक हम टेस्ट ना करें हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन स्टिल ऑन पेपर तो अच्छा ही था, अब जब आएगा तब आपको बताएंगे। रियान बोलते हैं कि उनको 2022 में आईक्यू Z3 5G लेना है, उनका मेन प्रायोरिटी है कैमरा। देखिए, कैमरा ना डिसेंट है, एकदम भी एक्सीलेंट नहीं है, आईक्यू Z5 का कैमरा अच्छा है, थोड़ा इन्वेस्टर क्या आप वो ले सकते हैं, या 20,000 की रेंज में, 15 से 20 के बीच में आई थिंक मोटो का G60 जो है उसका कैमरा थोड़ा डिसेंट है, और रेडमी नोट 10 सीरीज जो है उनका भी कैमरा मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे पोको X3 प्रो भी ऑनेस्टली कहो तो उसका भी कैमरा अच्छा है, खाली गेम के अलावा भी हमने जब कैमरा देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, हमने अनबॉक्सिंग किया था उसमें बताया था, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं तो आपसे रेकमेंड करूंगा वेट करिए, बहुत सारे और भी फोन्स आने वाले हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए। जिट्टो, उन्होंने बोला है कि अपकमिंग फोन्स में बिलो 20,000 रेंज का कोई अच्छा कैमरा फोन सजेस्ट कर दो ना। अपकमिंग फोन्स तो अभी वेट करिए, रियलमी 9 सीरीज आ रही है, सोनी सेंसर के साथ आ रहा है तो वो देखते हैं, रेडमी नोट 11 सीरीज इंडिया वाले वो आने वाले हैं, मोटोरोला के भी कुछ फोन्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोन्स, इन्फिनिक्स भी आ रहा है, तो इस बार कैमरा में भी काफी इंप्रूवमेंट्स हो रही, तो ऐसे बहुत सारे फोन्स है, तो आने दीजिए, मैं आपको एक कोई फोन उठाकर नहीं दे सकता जब मैंने अभी तक यूज नहीं किया हो, तो हम चूज नहीं कर सकते, तो जब आएगा आपको बताएंगे। शशांक जी ने पूछा है कि विच गैजेट्स डू यू वांट टू यूज दिस ईयर। देखिए, मैं ना हैंडल्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मैंने आया नियो और वन एक्सप्लेयर वगैरह की वीडियोस बनाया हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें ना टेक्नोलॉजी और एडवांस होना चाहिए, कि हमारे हाथ में पीसी हो और हम हाई एंड पीसी गेम्स के लिए एकदम आराम से, और ये मेरा एक सपना था और वो हम बहुत पहले सोचते थे और आज वो रियलिटी में बदल रहे हैं। ऐसे और पावरफुल हैंडल डिवाइस का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों का फ़ैन हूँ, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा ऑनेस्टली कहूँ तो ऐसी कोई खास मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं का वेट कर रहा हूँ। हरीश जी बोल रहे हैं कि TWS और नेकबैंड, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन विदाउट एनी प्रायोरिटी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेकबैंड चूज़ करूँगा अगर आपने मुझे ये दो ऑप्शन दिया है तो, क्योंकि नेकबैंड थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है और थोड़ा सा ज़्यादा ना स्टडी रहता है, आप समझ रहे हैं। TWS कभी भी कुछ भी हो सकता है, गिर जाए, ढूंढो, मिलता नहीं है वगैरह, कोई निकाल के ले भी के भाग भी सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेकबैंड गले में रहेगा आपके, कोई कुछ कर नहीं सकता, आपके पास ही सब कुछ रहेगा, तो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि नेकबैंड थोड़ा बेटर रहेगा अगर आप TWS से कंपेयर करें। आमिर ने बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रही है, क्या मोबाइल का बैक पैनल में सोलर चार्जिंग का सिस्टम आएगा फ्यूचर में? देखिए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमें आगे देखने को मिलेगी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, बहुत सारे R&D हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमने कभी नहीं सोचा था, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस हो रहे हैं, आपको पता है स्मार्टफोन को स्मार्ट वॉच की तरह यूज़ कर सकेंगे, न्यूरो लिंक वगैरह जो अपने इलॉन मस्क भैया कर रहे हैं, और क्या नहीं हो रहा है, तो मे भी क्या पता ऐसी भी चीज़ हमें देखने को मिल जाए जो फ्यूचर में चार्जिंग का लफड़ा ही ना हो सकता है। धीरज बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई मीट यू। देखिए, हम जब
जब से ये कोविड का लफड़ा चल रहा है हम एकदम रुक गए। हमने बहुत पहले प्लान किया था कि हम मीटअप करेंगे, और अगर आप अपनी सिटी वगैरह बता देते तो बेटर होता ना, तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता था। लेकिन मुंबई में सबसे पहले हम करेंगे, फिर दिल्ली करेंगे, पंजाब में इस बार जाऊंगा, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, फिर आसाम की तरफ से मुझे काफ़ी सारे लोग ने बोला है, और भी बहुत जगह हैं, बेंगलुरु से भी मुझे कितने लोग ने बोला है, तो हम सब जगह। ये लोग इतना दिमाग खाते ना, बात नहीं करने देते मेरे को, कितने अंगारों पर बैठता हूँ वो देखो। हाँ तो हाँ, मीटअप करेंगे दोस्तों जब ये सब कुछ थम जाए, ये बहुत परेशान हो गए कोविड से, तो सबसे मिलेंगे। अनस्वॉर्डेबल, इन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मेटावर्स, विल मेटावर्स रिप्लेस इंटरनेट बाय 2030, इज इट हार्मफुल फॉर अस इफ वी आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड फॉर एज लॉन्ग एज वी आर इन सोशल मीडिया नाउ, विल मेटा सक्सीड इन इट्स वीआर हेडसेट प्रोजेक्ट। देखिए मेटावर्स में ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, अगर होता तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दिया होता, ठीक है। बस अभी इसके अंदर ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा, अभी जो देखने को लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वगैरह, एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक अच्छी चीज़ है। अब उस पर कम्प्लीटली डिपेंड होना, ये कहाँ तक का सही है मुझे नहीं पता, और वो अब धीरे धीरे कौन सी ब्रांड किस तरीके की टेक्नोलॉजी लाती है, उसमें कितना एडवांसमेंट होता है और हमें कितना अच्छा लगता है उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो तो आगे की बात है। स्टिल कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट इतना भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स सी, मे बी, क्या पता आगे हो सकता है, फ्यूचर है, रिप्लेस भी कर दे बहुत सारी चीज़ों को वो, ये तो हमें 5 साल बाद, एटलीस्ट 5 साल तो लगेगा, उसके बाद ही पता चले। अरहम जैन ने बोला है कि उनको एक टैबलेट चाहिए, बजट है 50,000, सैमसंग का ले, आईपैड ले, या सैमसंग की जो अपकमिंग S8 सीरीज सारी उनका वेट करें। देखिए बेटर रहेगा आप आईपैड ले लो, आईपैड अच्छे, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन स्टिल अगर आप सैमसंग टैब S8 सीरीज का वेट करना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी डिस्प्ले होने वाली है, काफ़ी एडवांस भी होने वाले हैं, तो अगर आप एंड्रॉयड के फैन है तो इट्स ओके, लेकिन आईपैड मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन वही रहेगी। स्वयं बोल रहे कि आप दिन में कितने वीडियोस बनाते हो और आप एक दिन में मैक्स कितने वीडियोस शूट किए हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक दिन में 4 से 5 वीडियो भी शूट किया हूँ, हाँ मैक्स में दिन में 1 या 2, पहले मैं 2-2 वीडियोस बनाता था, लेकिन अब से आपको पता है हमने थोड़ा चेंज कर दिया अपने चैनल पर, तो कभी 1 कभी 2 ऐसा, लेकिन काम कभी ज़्यादा हो जाता है तो 3 भी बनाना पड़ता है, अगर मैं कहीं ट्रैवल किया तो मुझे फिर 4-4 वीडियो भी शूट करना पड़ता है, तो हाँ डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन एक वीडियो तो जाती है टेक न्यूज़, और कभी 2 वीडियो तो एक आध दिन छोड़कर तो हो ही जाता है। गौरव नथानी ने बोला है कि आई नीड सैमसंग फोन ओनली, शाला वेट फॉर S22 सीरीज इंस्टेड ऑफ बाइंग S21 फैन एडिशन नाउ। S22 जो आएगा वो थोड़ा बेटर ही होगा ऑब्वियसली S21 फैन एडिशन से, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होगी, इधर उधर ही होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब जब आएगा तो फरवरी में बोल रहे, 1st week of February में आएगा, तो वेट करिए अभी, सब जब तक ये आएगी नहीं तब तक हम भी कुछ नहीं बोल सकते, फालतू का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, तो वेट करिए, देखिए थोड़े दिनों की बात है, फिर हम आपको खुद बताएंगे कि कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। आदित्य अर्जुन, रोज बाय वन अनबॉक्सिंग बाय रजमान ब्रदर प्लीज, ठीक है वो मना ही करता है, वो तो ऐसे नॉर्मल आने में भी मना करता है, कितने बार तो खींच खींच के लेके आना पड़ता है, अब वो खुद ही एडिटिंग कर रहा है उसको भी पता है, तो आप बोलिएगा उसको कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पर भी है वहाँ पर भी मैसेज कर दो उसको, टेक्नो रजमान, हाँ टेक्नो रजमान करके उसका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो मैं कितने बार कोशिश करता उसको बुलाओ पर वो नहीं आता, बोला कंटाल आता है यार मेरे को, कि नहीं पता चलता है क्या बोलूँ मैं, समझने नहीं आता है। अभी वो भी सही बोलता है क्योंकि सबको आदत नहीं है ना, हम कर करके 6 साल से हमें आदत होगी, बहुत सारे लोग शर्माते नहीं आते, मेरे कजिन्स भी बीच में कितने बार आए थे वीडियो, बोले तू शूट करता है, मैं भी शूट करके दिखाता है, तो वो लोग भी जब शूट कर रहे थे तो पता चल जाता है, वक्त लगता है, खैर होता है। विक्रांत जी बोलते हैं कि स्मार्टफोन कंपनी ज़्यादा अच्छे सेंसर और बड़े अपर्चर के बजाय नंबर्स ऑफ पिक्सल पे क्यों जाती है, 1.6 अपर्चर वाला सोनी सेंसर वगैरह क्यों यूज़ नहीं करती है, ये आप और मैं समझते हैं, हम टेक क्रिएटर्स समझते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, और आप जनता जो है उनको भी ये रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ब्रांड्स ना मार्केटिंग में ज़्यादा बिलीव करती है, वो 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल वगैरह वगैरह, हमने ये किया हमने वो कर दिया, 15 कैमरा 20 कैमरा डिस्प्ले में ये कर दिया, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन 30% ही लोगों के जो एजुकेट होंगे इन मामले में टेक्निकली कि एक फ़ोन में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बाकी के लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बिलीव कर लेते हैं और फ़ोन परचेस कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और कुछ मेरे जैसे जो लोग हैं जो ऐसा बर्दाश्त करते हैं इन जैसे लोगों को जिसकी कोई हद नहीं है। पिंटू कुमार भाई, आप अपना वीडियो को टीवी पे क्यों चैनल पर लाइए, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस आते हैं, आप भी लाइए चाहे तो यूट्यूब पर पोल रखना। हाँ क्यों चैनल एक है, मैंने बीच में देखा था, हमारे दोस्त जो है वरुण वगीश उनका भी एक यूट्यूब चैनल है माउंटेन ट्रैकर, मैंने उनका एक वीडियो देखा था और भी कुछ यूट्यूबर्स का मैंने वीडियो देखा था वहाँ पर, तो मुझे पता नहीं मुझे तो किसी ने अप्रोच नहीं किया इसके लिए, और हमें कोशिश करेंगे हम बात करेंगे इनसे, अगर क्यों चैनल वालों से अगर हमारे भी वीडियोज़ भी वहाँ पर वो दिखा दे तो एक अच्छी बात है, हम भी टीवी पर आएंगे, और ये अच्छा है आपने मुझे सवाल पूछा, आपने मुझे भी अलर्ट कर दिया ताकि मैं भी उनको अप्रोच करके बात करूँ। देखिए अप्रोच करने में कभी भी प्रॉब्लम हेजिटेट नहीं होना चाहिए,
ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कितने छोटे या कितने बड़े हैं, हमेशा से आगे जाके अप्रोच करना चाहिए, जो आपकी काबिलियत है आपको वो दिखाना चाहिए, सामने वालों को अच्छा लगा तो वो रखेगा, नहीं तो नहीं। ये चीज़ कभी भी याद रखिए। विकी कुमार ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, उन्होंने बोला है कि भाई इज इट सेफ टू चार्ज आर स्मार्टफोन इन बस ट्रेन प्लग वाइल ट्रेवलिंग एज वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज एट ह्यूज साइट। ठीक है, जो बस ट्रेन वगैरह इवन फ्लाइट में भी जब मैं गया था बाहर अभी, तो उनके जो चार्जिंग का जो वोल्टेज सिस्टम होता है वो इतना खास नहीं होता है, और अगर आपके पास एकदम हाई फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन है तो रेदर आप उनसे बचिए। अगर ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है, आप फ़ोन को 10 या 15 वाट से चार्ज कर रहे थे ऑलरेडी, तो ठीक है, नॉट प्रॉब्लम। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें कभी भी फ्लक्चुएशन वाला जो इशू है वो हो सकता है, तो बेटर रहेगा आप अपने चार्जर को लेके जाइए, पावर बैंक लेके जाइए, वो बेटर रहेगा। फिर जब आपको कोई ऐसी जगह मिल रही है वहाँ जाके फिर प्रॉपर चार्ज करिएगा चार्जर से। तो ये सब सिर्फ इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाया था, 69% था, एक घंटे बाद देखा तो 69 ही था। ये हुआ है मेरे साथ। शंभू सिंह राठौड़, वाह, व्हेन लॉन्चिंग पोको X4 प्रो इन इंडिया और व्हेन लॉन्चिंग मी 13 इन इंडिया। पोको X4 प्रो आई एम नॉट श्योर कब आएगा, मार्च तक बोल रहे आने के लिए, तो देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 870 होगा, उसी के साथ मी 13 भी माधव शेट का। मन्नू कुमार और माधव शेट को मैंने इतना लड़ाया कि दोनों के नाम मेरे मुंह में चढ़ चुका है। मन्नू कुमार जी ने ट्वीट करके मी 13 बताया था कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो शायद वो भी जल्दी आएगा, उसका टाइमलाइन आ जाएगा। लेकिन डोंट वरी यार, हम है ना, आप क्यों टेंशन लेते हो, टेक न्यूज़ देखिए, सब बताइए। उपासक सिंह बोलते हैं कि टेक्नोस आप दिन में किस टाइम शूट करना स्टार्ट कर देते हो, सारा सीक्रेट आप ले लो मेरा, टेक्नोस कहाँ से देते हो, कब शूट करते हो, कैसे करते हो। देखिए हम 1-1.5-2 डिपेंड करता है, जब टेक्नोस आ जाती है मैं सुबह में उठ कर टेक्नोस जमा करता हूँ, कभी रात में हमारा बहुत रिसर्च होता है टेक्नोस में, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर दोपहर में इनका भी अलग से काम चलता है ना, तो फिर वो देखकर हमें शूट करना पड़ता है, तो मैं 12:30 के बाद बैठ जाता हूँ, 1-2 बजे के आसपास हमारा शूट चलता रहता है। टेक्नोस में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है शूट करने के लिए, एडिटिंग में 1-1.5 घंटा लगता है, 2-3 घंटे का काम है पूरा हमारा। हाँ, अब और मत पूछना। मनोज सारू, तेरे को दिखाता है बाद में, सच्ची सच्ची बता कितना पैसा कमाता है, सीधा बात नो बकवास। मैंने ना अपने अपने ऑडियंस को पहले बता दिया था, ठीक है, तू चमचागिरी मत कर, मैंने बता दिया था कि मैं कितना पैसे कमाता है, ठीक है ना। हमने बोला था कि हम 1-2 iPhone 13 वगैरह ले सकते हैं महीने का, 2 iPhone ले सकते समझ लीजिए, iPhone 13 Pro वगैरह महीने के, ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तू बता तू कितना कमाता है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तेरे, तेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और सब कुछ, तू तेरे को 2-2 चैनल उधर भी मिलियन सब्सक्राइबर है, तेरा इंस्टाग्राम पे तू इतना आगे, फेसबुक पे भी मिलियन है, तू बताएगा, तू जाएगा नहीं और कमेंट करेगा इसी वीडियो के नीचे, तू बताएगा तू कितना कमाता है, तो मैं तेरे को चैलेंज करता है, तू ट्विटर पे बता, ये वीडियो उठा और ट्विटर पे बता कि तू महीने का कितना पैसा कमाता है। टेक्नोरोस वर्सेस मनोज सारू स्टार्ट्स नाउ। पिंटू की टेक, वाह क्या बात है। रोहित भाई आप पेरिस से क्या लाए हो? पेरिस से मैं, मेरी बीवी और बच्चे सेफली आ गए, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। दिमाग घूम गया था कोविड की वजह से, वहाँ पर जाने के आने के टाइम पेरिस पर हमने वो किया कोविड RT-PCR, बच गए हम। फिर वहाँ से इंडिया में जब रिटर्न आए तो यहाँ पर भी हम लोग को यूरोप था तो हमको साइड में खींच लिया, 3,500-3,000 रुपये ले लिया, मस्त एकदम चल रहा है इधर, तो लूट मची है, तो उसमें RT-PCR किया, हम बच गए। वैसे तो बहुत सारे लोग ने किए, सब बच गए। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेगा भाई, ये कोविड वोविड का क्या चल रहा है भी कि नहीं भी, आई एम नॉट श्योर। देखिए सबके दिमाग में यही ख्याल आता है, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा है। लेकिन पेरिस से मैंने क्या लाया, तो मैंने सिर्फ चॉकलेट्स लाया और कुछ खास नहीं लिया। देखिए पेरिस बहुत एक्सपेंसिव है, ऑनेस्टली कहूँ, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट में कभी भी खाना मत खाना, आप लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और टेस्ट भी वैसा नहीं मिलेगा जो इंडिया में मिलता है। इंडिया के खाने की बात ही अलग है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में खाने के मामले में फेमस है, मैं घुमा मुझे पता है पूरी दुनिया, जहाँ खाना मुझे यहाँ मिलता है वो किधर नहीं मिलता है। वहाँ जाओ तो फास्ट फूड पर डिपेंड हो जाओ, या उनका खाना खाओ, वो जो पिज़्ज़ा बर्गर वैसा, वो पास्ता वास्ता वो चलेगा, वो सस्ता रहता है, आधे भाव में मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट में लूट जाएंगे। तो हमने सिर्फ चॉकलेट्स लेके आई है, हमारे लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं लिया। तो इतने ही दोस्तों, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार और भी होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए, घंटे तक आपके सवालों के जवाब देता रहो, बड़ा अच्छा लगे। खैर, लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।